हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर बाई को लेकर के डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं, ठीक है, और यहां से इसको क्लोज कर देते हैं तो हमें एसक्यूएल यहां पे नजर आता हुआ मिलेगा। यहां पर क्लिक करेंगे और एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए जनरली हम लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम यहां पर दे देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही मैं करता हूं, क्रिएट टेबल लिखा और मैं यहां पे प्रोडक्ट टी कर देता हूं, प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने प्रोडक्ट टी। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, यहां पर एक फील्ड ले लेता हूं मैं आईडी, ठीक है, और आईडी को मैं रखता हूं इंट डेटा टाइप, और ये इंट लिख करके यहां पर कर देता हूं नॉट नल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने नॉट नल। इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसे मैं प्राइमरी की नहीं बना रहा, ठीक है, आप चाहे तो इसे प्राइमरी की भी बना सकते हैं। तो यहां पे नॉट नल लिख दिया हमने, कॉमा दिया, एंटर प्रेस किया, नीचे आए, नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये लिख दिया मैंने नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट भी हो जाएगा ये। और नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद फिर हमें कॉमा लगाना है और इसका डेटा टाइप पहले मेंशन कर देते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप कर देता हूं, यहां पे कॉमा देंगे, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, नीचे आ गए, यहां पर इसकी प्राइस की बात करेंगे तो यहां लिख देता हूं प्राइस और इसको रख देता हूं करेंसी डेटा टाइप, तो यहां पर लिख दिया मैंने करेंसी, कुछ इस तरीके से आप भी दे सकते हैं करेंसी, ठीक है, कॉमा देंगे। यहां पर हमें और कोई फील्ड नहीं रखनी है तो यहां पर कॉमा हटा देते हैं, एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद यहां रन पे क्लिक करता हूं, रन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट टी नाम से टेबल बन जाएगी। यहां पर आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस आपको दिखाई पड़ रही है। अब जो करेंसी डेटा टाइप लिया उसका बहुत फायदा है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया कीबोर्ड, तो ये लिख दिया हमने कीबोर्ड और यहां पर इसकी प्राइस है 200 रुपए, तो यहां 200 जैसे ही करते हैं तो यहां डॉलर अपने आप आ जाता है। ये करेंसी का फायदा है, अगर आप रुपीज में लेके आना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो रुपीज में भी आ जाएगा। यहां पर कर देता हूं माउस और माउस का जो प्राइस है वो यहां पे दे देता हूं 120 रुपए। फिर यहां पर आता हूं नीचे, नीचे आकर के यहां पर आईडी 3 कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं एलईडी मॉनिटर, ठीक है, तो ये लिख दिया एलईडी और फिर लिख दिया यहां पे मॉनिटर, तो ये हो गया एलईडी मॉनिटर। और यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर इसकी प्राइस देनी है, तो यहां पे कर देता हूं 12,000 रुपए, ठीक है, तो ये कर दिया 12,000 और एंटर प्रेस करके नीचे आइए। इसी तरीके से आप देते चले जाएंगे और ये होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमको ये समझना है कि हम ऑर्डर बाई का यूज कैसे करेंगे, तो यहां पर इसके लिए अलग से क्वेरी बना लेता हूं। यहां क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। यहां पर आपको एसक्यूएल नजर ही आ रहा है, तो बस ऐसे ही हमें रहना है। और अब बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ताकि वो चीजें क्लियर हो जाएं जो पिछले वीडियो में आपको क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी जिसे मैंने बनाया था। अब यहां पर आपको सिंपली सेलेक्ट लिखना है, पहले से लिखा हुआ है, ये सेमी कॉलन जो लगा हुआ है इसे आप हटा दें। और सेलेक्ट लिखने के बाद यहां पे कहां से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले तो मैं ये प्रोडक्ट जो बना हुआ है इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है, ये क्लोज कर दिया हमने। और अब यहां पर दूसरी क्वेरी हम बना रहे हैं और ये क्वेरी वन सेव करके क्लोज कर देते हैं, इसको भी, इसके लिए अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है हमें, तो इसको भी यहां से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है, यहां पे लगाना है एक स्टार का सिंबल, जो 8 नंबर अल्फा न्यूमेरिक की पर आपको मिल जाता है। स्टार लगाने के बाद एक बार गैप दीजिए और इसको कहां से आप लेंगे वो बता दीजिए। तो फ्रॉम टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी, तो यहां पे लिख दीजिए प्रोडक्ट टी, बस इतना ही आपको करना है, आगे का काम बहुत आसान है। यहां पर आ जाइए, नीचे लिखिए ऑर्डर बाई, तो यहां पे लिख देता हूं मैं ऑर्डर बाई, इस तरीके से आपको लिख देना है। और किसके थ्रू आप ये करना चाहते हैं, तो यहां पर मैं अगर प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से करना चाहता हूं, प्राइस के हिसाब से करना चाहता हूं, तो जिसके हिसाब से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं लिख देता हूं PRICE प्राइस, तो ये लिख दिया मैंने PRICE प्राइस के बेस पे हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि पहले कम वाली प्राइस, फिर ज्यादा वाली प्राइस, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से आईडी भी शॉर्ट हो गई है और ये जो प्रोडक्ट का नेम है वो भी उसी के हिसाब से हो गया है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं 4 करता हूं और यहां पर कुछ और प्रोडक्ट ले लेता हूं, जैसे लाइक मैं ले लेता हूं वॉशिंग मशीन, तो ये ले लिया मैंने वॉशिंग मशीन, तो ये यहां पर लिख दिया वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन लिखने के बाद यहां पर इसकी प्राइस दे देते हैं 21,000 रुपए, तो ये यहां पर लिख दिया मैंने 21,000, एंटर प्रेस करके नीचे आए, फिर यहां पे 5 लिख दिया और यहां पे कर देता हूं मैं लैपटॉप, ठीक है, तो ये लैपटॉप जो है इसका प्राइस यहां पे दे देंगे 50,000 रुपए, ये दे दिया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फिर दोबारा से इसको यहां से हम जा करके फिर रन करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस स्टाइल में आया हुआ है, देखिए
ठीक है, देख रहे हैं ये इसी क्रम में शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि ये इस क्रम में ना शॉर्ट हो करके हम इसको प्रोडक्ट के नेम के बेस पे शॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको सिंपली लिख देना है नेम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही आप लिखेंगे नेम ऑफ और फिर ये अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो बस ये उसी के फॉर्म में शॉर्ट हो जाएगा। तो बस यहां से रन पे क्लिक करना है आपको, और ये देखिए पहले के वाला फिर एल वाला अल्फाबेटिक वे में ये शॉर्ट हो गया है। तो ये बहुत आसान है, और अगर आपका काम इससे आसान हो जाए तो अच्छी बात है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।